क्वेश्चन है, फाइंड दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² + 11x + 3 = 0। और यही आपका क्वेश्चन हिंदी में रहेगा, तो 6x² + 11x + 3 = 0 द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। यानी कि हमको इसमें से x का मान निकालना है, और x के मान को जब यहाँ पर बारी बारी से रखेगा तो x पूरे इक्वेशन क्या करेगा, 0 के बराबर कर देगा, वही आपका मूल होगा। या आप देखिए, ट्रिक होता है पहला गुणा तीसरा, जोड़ या घटा कर दूसरा। यानी कि पहला ये है और यह है दूसरा और यह है तीसरा। यानी कि पहला में गुणा कीजिए किसे, तीसरा से, या प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर क्या लाना है आपको, दूसरा लाना है, ये दूसरा टर्म्स आपको लाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6x² है ना, तो सबसे पहले 6 में 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 में 3 से आपको गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, 18 होगा। और इस 18 को ऐसे सजाना है कि किसे है, जोड़ने पर क्या है, देखिए क्योंकि आप बोल रहा है क्या, जोड़ने पर दूसरा पद आ जाए, मतलब दूसरा पद आ जाए। इस 11x को लिखेंगे 9 × 2, कैसे कहोगे आपका, आपका आएगा 18। और यहाँ देखिए 9 में जब आप 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 9 और 2 आपका 11 होता है। तब हम 11 जब लिखेंगे 9x + 2x, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6x² + 9x + 2x + 3 = 0। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से दो दो को ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो यहाँ पर होगा 6x² + 9x और +2x + 3 = 0। और यहाँ से आप 3x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर होगा 2x + 3, और यहाँ से 1 बाहर निकले किसी, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई है और यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2x + 3। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से 0 के बराबर कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x + 3 = 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x + 1 = 0, क्योंकि यहाँ देखिए 2x + 3 और 3x + 1, यहाँ देखिए 0 कर दीजिए तो आपको आएगा x = 3, क्या है प्लस में बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, और 2 यहाँ पर देखिए क्या है, गुणा में है, बराबर के इधर भेजें तो क्या होगा, भाग होगा, तो x = -3/2। और यहाँ पर 3x = इधर भेज दीजिए तो क्या आएगा, -1, और 3 इधर में मल्टीप्लाई बराबर के इधर भेजेंगे तो डिवाइड होगा, तो x = आपका आएगा -1/3। यही आपका 2 रूट से निकला। तो धन्यवाद, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।